जो दलित वोट है वो बीएसपी का वोट है, इसे कोई ना काट सकता ना आगे कट सकता। मांगेराम जी आप किसे वोट देंगे? मायावती को मिलेगी, मायावती को मिलेगी, मायावती को सूढ़ी पर चढ़ जाऊँ मैं। बस मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, देखता नहीं मुझे, सीधा हाथी दिखे। यूपी में क्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का कारण तो योगी सरकार ही है। हमें जो है योगी की एक भी योजना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। रही बात नाज की, नाज कौन सा योगी अपने घर से थोड़ी दे रहा, वो भी हमारा ही नाज है। और मैं सोच रहा था कि भाई अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज तक इतने बढ़िया दिन किसी सरकार में नहीं जितनी सरकार में आए। एक एक गरीब आदमी तो एक एक टुकड़े से मोहताज है। नमस्कार, मैं हूँ अनिल भारद्वाज। हम नकुड़ विधानसभा में इस वक्त निकले हैं। आज हम दलित समाज के बीच में हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि दलित समाज नकुड़ विधानसभा में किसके साथ जा रहा है। आपका नाम? मेहर सिंह। मेहर सिंह जी, जैसे अब ये चुनाव पास में हैं, आप लोगों ने कुछ तो मन बनाया होगा, तो दलित समाज किसके साथ जा रहा है? बसपा के जी। बसपा के साथ? बसपा के साथ या बसपा के कैंडिडेट के साथ? मतलब ये चीज बताएं। साहिल खान के साथ। साहिल खान के साथ? ऐसा क्या है कि साहिल खान के साथ हैं या मतलब बसपा के साथ हैं? बसपा के साथ भी, साहिल खान के साथ भी। अगर साहिल खान की जगह कोई और कैंडिडेट होता तो उसके साथ जाते? तो उसके साथ जाते। मतलब वोट बसपा का? वोट बसपा का है। वोट बसपा का। आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश जी, आप बताएं कि मतलब आपके क्षेत्र का जो दलित वोट है वो किसके साथ जा रहा है? सारा का सारा वोट जो है वो बीएसपी को जा रहा है। जो एक आध वोट कट रहा है वो तो पहले से कटता है, और जो लोग चमचागिरी करते हैं, लेकिन जो बसपा का कट्टर वोट है सारा टोटल, अगर हम वोट कहीं और भी डाल देते हैं सर तो हमारी वोट कहीं नहीं लगती। इसलिए सारा जो दलित वोट है वो बीएसपी का वोट है, इसे कोई ना काट सकता ना आगे कट सकता, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर अभी और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप बताएं कि सहारनपुर में जो बसपा का वोट है वो किस तरफ जा रहा है? बसपा से कुछ वोट जो है बीजेपी में जा रहा है। कुछ वोट बीजेपी में जा रहा है? वो बीजेपी में जो जा रहा है वो नाराज वोट है या क्या कारण है, या वो बीजेपी का ही वोटर है? नहीं, इनमें से ही कट कर जा रहा है बीजेपी का। कुछ नाराजगी है या मतलब वो बीजेपी का ही शुरू से वोटर है? नहीं जी, नाराजगी है इन्हें। कारण क्या नाराज? कारण ये है, तो सीधे कहे हैं, बोला हमारा आज लग ना तो किसी ने समझो दो दो कोटे दिए ना हो दिया, उन्हें ही कुछ खाने को मिल रहा तो जब जाएगा तो समझ आ रहे हैं। तो मतलब मेन मुद्दा यह है कि जो उनके जो उनको खाने पीने को मिल रहा है या जो सुविधाएं मिल रही है, सुविधाओं की वजह से। हाँ जी, गुंडागर्दी नहीं है इस सरकार की, जो योजनाएं हैं योजनाओं को से प्रभावित लाभ मिल रहा। ठीक। अभी हम और उसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है जी। चंद्रपाल जी, आप बताएं कि जो बसपा का वोटर है वो किस तरफ जा रहा है? एक तरफा बसपा के साथ है जी, चाहे वो मतलब जो है कहने ने, ये डॉक्टर साहब भी कह रहे थे अब कि भाई वोट छिटका का, बसपा का वोट कभी ना तो छिटका ना ही छिटका का। जब तक बहन जी है तब तक आप तो वोट की बात कर रहे, वोट तो बसपा के साथ दलित है ही है। लेकिन अगर बहन जी ये कहेगी ना कि भाई मैं तुम्हें सरोवर जो है थरा चाहिए कहीं जो वोट में भरा भरवा रही, तो सारा चुमार वहां पर भरा भरवा लगा पड़ा। वोट तो बहुत छोटी बात है, ठीक है नहीं? अच्छा। एक चीज बताएं कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि बहुत कुछ दलित वोट ऐसा है कि जो योगी की योजनाओं से प्रभावित होकर उस तरफ जा रहा, तो योगी की योजनाएं आपको प्रभावित नहीं? हमें जो है योगी की एक भी योजना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। रही बात नाज की, नाज कौन सा योगी अपने घर से थोड़ी दे रहा, वो भी हमारा ही नाज है। एमएलए जो भी योजना, जो बच्चे कितने बेरोजगार है सड़कों पर पड़े, क्या नाम जो है फंसी खाने तैयार है वो बच्चे, कम से कम भी मेरा तो मानना ये है कि भाई मतलब जो है इतना मतलब लड़के लड़कियां बेरोजगार होएगी, इतना मतलब इतनी बेरोजगारी तो हमें अपनी जिंदगी में देखी नहीं, मेरी 55 साल की उम्र है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ में कुछ युवा दलित भी हैं, तो उनसे बात करते हैं कि वो उन लोगों का क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम शुभम कुमार है जी। शुभम, एक चीज बताएं कि मतलब आपका क्या कहना है कि आपका वोट किस तरह जाएगा और क्यों जाएगा और क्या आप लोग समस्याएं समझते हैं? देखिए, यूपी में क्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का कारण तो योगी सरकार ही है। हम योगी सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि
बीएसपी हमारी पार्टी है और बीएसपी का जो कैंडिडेट आएगा हम उसी के साथ रहते हैं। बेरोजगारी का कारण ये है, आज तक कम से कम 3 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं हुई अब तक। तो जो भर्ती होती है, भर्ती तो हो जाती है, लेकिन भर्ती होने के मतलब भर्ती हो जाती है तो फार्म भी भरे जाते हैं, लेकिन भर्ती को कैंसिल कर दिया जाता है, कभी भर्ती पूरी नहीं होती। भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं, भर्तियां कभी पूरी नहीं होती। अभी हमारे साथ एक और अभी बात करते हैं। चाचा आप बताएं कि वोट किधर देंगे? वोट तो देंगे जी बस मायावती की देंगे। मायावती को ही देंगे? क्या कारण है मायावती को ही वोट देने का? वो काम ऐसा है, काम बढ़िया करे जिनने। क्या क्या काम बढ़िया किया? उसकी कैंडिडेट जो थे ना पहले, हाँ। वो खराब थे। अच्छा, हाँ। तो पहले वोट नहीं दिया था मायावती को? जी जी, पहले भी दिया था, खराब कैंडिडेट को भी दिया था। हाँ दिया था। अच्छा, तो मतलब अब बढ़िया कैंडिडेट है? देखो हाँ बढ़िया ही है, जो काम करेगी तो आगे ये भी सारे काम करेंगे तो ये बढ़िया होंगे। आप बताएं आपका नाम? मांगेराम है मेरा नाम। मांगेराम जी, हाँ। मांगेराम जी आप किसे वोट देंगे? मायावती को मिलेगी। मायावती को मिलेगी? मायावती को ही? हाँ, क्या वो सूढ़ी पर चढ़ जाऊँ मैं? अच्छा, हाँ ना, ऐसा क्या है कि सूढ़ी पर चढ़ के भी वोट देंगे? हाँ चढ़ के जाएंगे, चक्कू चल गयो। हाँ अच्छा, हाँ हनुमान जी आ रहे हैं हम। चलिए चलिए अभी और किसी से बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम कश्मीरा है। कश्मीरा जी आप बताएं कि आप किसको मतलब किसको वोट देना पसंद करेंगे? भाई जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, देखता नहीं, मुझे सीधा हाथी दिखता है। हाथी ही दिखता है? हाथी ही दिखता है। अच्छा चलिए, अभी हमने यहाँ पर मुझे हम तो बुढ़े आदमी, मेरी पेंशन में नहीं हो रही, और ना तो क्या मिलागा, पेंशन नहीं हुई ना जी, हुई नहीं ना कराई, कितने प्रधान बनकर जा रही है, मेरा आज भी कच्चे है, कड़ी लग रही घर में, बुढ़ा आदमी मैं बैठा। तो इसमें गलती सरकार की है, प्रधान की है, किसकी है? मैं किसी की हो गलती, इसमें प्रधान ही अपना मरे छापा, मेरा तो बीपी का कार्ड भी नहीं बनवा रहा, प्रधान और तो क्या होगा। तो मायावती के आते सार ये सब काम ये हो जाएगा, सब हो जाएंगे। हाँ सब हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, हमारे साथ में चलिए इनसे बात करते हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं। 15 लाख खाते में सर अब तक न्याय, 15 लाख रुपए खाते में, वो मोदी का झूठा दावा था, पर 2 करोड़ कम। जिस टाइम मोदी की सरकार आई सर, जिस टाइम मोदी की सरकार आई उस समय मैं 33 साल का था, और जिस समय 33 साल का था मैं सोचा मगर 2 करोड़ नौकरी देगा मोदी, लेकिन जिस समय मैं दोबारा फॉर्म भरने के लिए गया, कंप्यूटर वाले ने कहा भाई तेरी उम्र पूरी होली, इतने दिन तक मुझे इंतजार किया, एक भी वैकेंसी नहीं आई, और मैं सोच रहा था भाई अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज तक इतने बढ़िया दिन किसी सरकार में नहीं जितनी सरकार में आए, एक एक गरीब आदमी तो एक एक टुकड़े से मोहताज है, बेरोजगारी से तंग है बिल्कुल। चलिए हमारे यहाँ पर कुछ हमें लेडीज भी इधर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, हम उनसे भी बात करके देखते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है, वो लोग किसको वोट देना पसंद करेंगे। जी आपका नाम? जी आपका नाम? बबली जी आप किसे वोट देना पसंद करेंगे? तो मायावती को देंगे जी। मायावती को ही देंगे? जी। क्यों, कारण क्या है? कारण क्या है, हम किसी से भी वोट देंगे लेकिन हमारी वोट जाए मायावती पे ही गिने जाओगे। मायावती पे गिने जाएगी। आपका नाम? लोकेश जी। लोकेश जी आप किसको वोट देंगे? मायावती को ही देंगे जी। हाँ जी, ऐसा क्या कारण है कि मायावती को ही वोट? उसकी सरकार में बिल्कुल सही रहा जी साहब, बिल्कुल औरत सुरक्षित थी उसकी सरकार में, कतई बहुत अच्छी है मी मायावती जी, हम उनको ही वोट देंगे। अच्छा, औरतों का तो कहना है कि योगी सरकार में भी बड़ी सुरक्षा मिलती है, बड़ी सुरक्षित है। कोई सुरक्षा नहीं है जी इसमें। जैसे जी हम तो कहीं भी नहीं बाहर निकल सकते उसकी सरकार में जी। हाँ, रोजगार सारा खत्म कर दिया उन्होंने, बिल्कुल जो पढ़े लिखे आदमी थे बिल्कुल बेरोजगार, कतई बेरोजगार कर दिया उन्हें, बीमारी कुछ नहीं है। जी जी आपका नाम? मेरा नाम उपासना। उपासना उपासना जी आप बताएं कि किसको वोट देंगे? जी मायावती जी को ही देंगे वोट तो हम। क्या कारण है? क्या कारण है, वो हमारी है, दूसरी बात चाहे हम कहीं भी वोट डाल लो हमारी वोट वहीं पे ही गिनी जाएगी, इसलिए हम वोट मायावती को ही देंगे। ये बात समझ में नहीं आई, आपने कहा कि हम वोट कहीं भी डालें वोट वहीं गिनी जाएगी, ये क्या कारण यही है कि वो हमारे दलित समाज से है, इसलिए हमारी वोट वहीं पे गिनी जाएगी, कहेंगे कि ये चमार है कि चमार वोट वहीं डालेंगे।
नहीं ऐसा नहीं है, लोग बात कहते हैं कि अभी जैसे यहाँ पर आप भी यहाँ पर एक दलित समाज के लोग कह रहे थे कि वो बीजेपी को भी वोट जाता है। कोई नहीं है यहाँ, बस बिल्कुल बसपा को वोट जाएगी सबकी। जी हाँ, ये नकुड़ विधानसभा से हम लोग दलित समाज से बात कर रहे थे। यहाँ पर अधिकतर लोगों का कहना है कि उनका वोट सिर्फ और सिर्फ मायावती को जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मायावती को ही जाएगा। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।